अब बकरे कुदूसी साहब मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने तो बड़ों पर डाल दी है कि बड़े जो है ना वो गलती कर गए हैं इसलिए हमारी पूरी उम्मत को ये गलती भुगतनी पड़ रही है आपका इस बारे में क्या टेक है देखिए जी दो अलग अलग मामलाते हैं पहले तो मैं शाह के वाले से थोड़ी सी बात करूंगा जो शाह साहब ने फरमाया जो उन्होंने पूरी डेफिनेशन बताई फिरकों की ठीक है जब आप अतलात की किताबें उठाते हैं और लगात की किताबें उठाते हैं लेकिन वो सारी गुफ्तून की वजन में है और बिल्कुल ठीक है ठीक है लेकिन अगला मरला आ जाता है हमारी बेसिकली ये जो गुफ्तू हो रही है पाकिस्तान के तनाजर में हो रही है ठीक है और हम पीछे से अपने यहाँ पे अगर वो कहा जाए तो फिर उस तरह तो फिर हैं ठीक है लेकिन वो पाकिस्तानी फिरके कह लें पाकिस्तान आगर में कह लें इसमें कोई दीनी फिरके नहीं है में फिक्र है दीनी फिरके भी हैं लेकिन असल मसला ये बताऊं लेकिन ये जो तस्वीर उलमाए कराम की खींची जाती है कि जैसे इनके चेहरे आफिर बदन कैसे हैं और उलमाए कराम को उलमाए करम तक कह दिया जाता है ऐसी सूरतयाल नहीं है अगर ये सारा कुछ इस तरह ही था तो तरीके खत नबूवत क्या इंडिया से किसी बंदी ने आगे चलाई उन्नीस सौ तिरपन में तरीके खत्म हुआ चलिए और एक बड़ा इशू था और वो फिर उसके बाद उन्नीस सौ बहत्तर तिहत्तर भी चली है में। और वो आपको मैं बताता हूँ वो कितना बड़ा इशू था वो इतना बड़ा इशू था वो कोई पाकिस्तान का मुकामी इशू नहीं था मुस्लिम का इशू मैं आपको बताता हूँ उस कानून साजी की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया में मामला तय हो चुका हुआ छोटा मामला नहीं है क्या बात क्या आपके उल्ला ने मिल बहम बिल के क्या उसमें सारे में में चौटर चौटर में चौटर में पेश हुई थी देखिए मैं आपको बताता हूँ दो दफा तहरीक चली और उसे पीछे भी चले जाए तरीके खत्म तरीके खिलाफत किस किनों ने चलाई थी क्या उसमें सिर्फ एक फिर था सारे ग्रोह मौजूद थे सबने मिलकर चलाई और जब वो आपस में मिलकर बैठ के तरीके चला रहे होते उन दिनों क्या एक दूसरे के पीछे मुंह करके देखते बैठते थे या एक दूसरे के साथ चाय नहीं पीते थे सारा कुछ होता था ये एक है जिसको इसमें कोई शुभा नहीं है कि इस तरह मौजूद है ये सूरत भी है

खुद आई ने, पाकिस्तान जो पाकिस्तान है हमारे यहाँ यहाँ पे रोशन मसाल भी मौजूद है मुझे अच्छी तरह याद है की हजरत शहीद राम जो थे वो जब उनतीसवीं रात को दुआए करते होते थे उसमें दीगर मुकाब मोलाना अब्दुल्क आजाद बादश मस्जिद के वारो हो गए उनके पीछे दुआ कर रहे होते थे मौलाना सईद उरमान अलव मारूफ दे स्कॉलर है मेरे वालद मुकर्रम के साथ उनका इस तरह का ताल्लुक था कि मेरे वाल मुकर्रम के मजमून के जवाब में उनका मजमून आता था उनके जवाब में उनका मजमून आता था ठीक है शाहमान शहीद के नाकद मेरे वालद का मजमून आया उनके जवाब में उनका आया बाकायदा मजामी चलते रहे ठीक है मेरे का हादसा वो दुनिया से गए जब तक सईद और साहब जिंदा रहे उन्होंने एक दिन भी हमारा दरवाजा नहीं छोड़ा हमारे पूछने आते थे हमारा हाल है अगली बात बताने लगा वही सईद अलवी उनकी मस्जिद में सतय रमजान को जब दरस होता था लामा इसीर को बुलाते थे क्या इस तरह की मैं एक के इस तरह की मैं सो मिसाले है। ये चेहरा यही चेहरा भी तो नजर आना चाहिए ना पहलू यानी कि हम अवॉइड कर देते हैं हम सिर्फ देख जहां तक ताल्लुक है कि किताबों में क्या लिखा गया उस दौर में भी मैं उस दौर में आपको मिसाले बता दूंगा तरीके तरक मवालत में क्या का किरदार था तरीके खिलाफत में उलमा का क्या किरदार था तरीके हिजरत में उलमा सारे इकट्ठे नहीं थे

और उन्होंने बजाहर यही बताया कि बुज़ुर्ग और बारिश और ये आएंगे बैठेंगे तो क्या हुआ अगर कुबा के अलावा और मस्जिद नबी के अलावा एक और मस्जिद भी हो जाए जब तक अल्लाह ताला ने उन्हें वही नहीं की कि ये नीयत निफाक की है मुसलमानों को अलग अलग करने की है मस्जिद बनाकर भी मस्जिद का मकसद ये रखा गया तो इसलिए किसी भी फिर को किसी भी मस्जिद को कोई भी नाम तहमत देने की बजाय अब इस पे मट्टी डालकर आगे बढ़ने का सोचिए ठीक है अगर बड़ों की भी गलती है जिसकी भी गलती है अब जो नौजवान हैं, हम आप हैं हमारा फर्ज क्या है ठीक है अगर हम इतिहाद देखिए अल्लाह ताला ने तो ये कयामत तक के लिए कहा ना वल तकुन उम्मतुन खैर वल तकुन उम्मतुन खैर तुम इनको يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك المفلحون फिर वही ये भी है कि तुम में से बेहतरीन ये अब अगर हमारी पहचान अल्लाह ताला ने दे दी है और फिरकों को मना कर दिया है अब इनके नजदीक फिरके भी और हैं शियान भी और हैं सब और है तो और भी मुझे तसल्ली हो गई ठीक है।, है मेरे तो अंदर ये भी फिरके थे आज मुझे ये गलत फहमी भी दूर हो गई तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज की महफिल से अब जो अगली बात है वो ये है कि अब इसका हल निकालें लकीर पीटने से और एक दूसरे को अभी जो जो भी कर रूट रूट कर रहे हैं बात उसमें दिमाग है ठीक है और देखिए सूफिया कराम और उल्माए कराम का फर्क देखिए हारून रशीद ने बुलाया किसी एक मसले पे फिक्र मसला था उलमाए कराम का पूरा लश्कर बुला लिया वक्त एक एक को बुलाते मसला पूछते हो मसला बताते हो कहते हैं बाहर जो मौलाना बैठे हैं तो कहते नहीं 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 उनसे मत बात कीजिएगा उनका अकीदा ठीक नहीं है वो यहाँ गलत है वो यहाँ गलत है पाँच छः को बुलाने के बाद दो वूफ़िया आए राम भी बुला लिए उनको बुलाया तो उनसे पूछा उन्होंने भी वही फ़िक्री मसला ठीक से बताया और कहा उनका वो जो बाहर बैठे उन्होंने कहा हाँ वो मुझसे बेहतर है आप उनसे पूछिए हमें तरबियत की ज़रूरत है बहुत डिग्रियां हो गई हमारे पास बहुत एक दूसरे को नीचा दिखा दिया जी। हमें मोहब्बत की जरूरत है सुभान हमें इकट्ठा होने की जरूरत है की जरूरत है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस क्या चाहते हैं शाह साहब क्या चाहते हैं कुदूसी साहब क्या चाहते हैं कादरी साहब क्या चाहते हैं मुझे ये फिक्र होनी चाहिए मैं कल अल्लाह के सामने खड़ी होकर क्या मुंह दिखाऊं सुभान अल्लाह सुबह ना जैसे डॉक्टर साहिबा ने बड़ी उनका एक अंदाज़ ब्याह ही बड़ा मीठा है और बड़ा एक मैं समझता हूँ शायस्तगी के साथ वो गुफ्तगु नोश फरमाती हैं एक पूरी महफिल का माहौल ही बदल के उन्होंने रख दिया है डॉक्टर साहिबा डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में ये बात की कि अब हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो नुकतः चीनी से परहेज़ करें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम की करने से परहेज़ करें और हल की तरफ आएँ हल्के हमें तरबियत की ज़रूरत है बहुत डिग्रियां हो गई हमारे पास बहुत एक तो दूसरे को नीचा दिखा दिया जी। हमें मोहब्बत की जरूरत है। हमें क्या किस क्या चाहते हैं साहब क्या चाहते हैं कादरी साहब क्या चाहते हैं मुझे ये फिक्र होनी चाहिए मैं कल अल्लाह के सामने खड़ी होकर क्या मुँह दिखाऊँ सुबह ना जैसे डॉक्टर साहिबा ने बड़ी उनका एक अंदाज़ ब्याई ही बड़ा मीठा है और बड़ा एक मैं समझता हूँ शाइगी के साथ वो वुफ्तु नोश फरमाती हैं एक पूरी महफिल का माहौल ही बदल के उन्होंने रख दिया डॉक्टर साहिबा डॉक्टर महमूना मुर्तजा मलिक साहिबा ने बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में ये बात कही कि अब हे एक दूसरे के ऊपर जो है वो नुकतः चीनी से परहेज़ करें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम की बौछाड़ने से परहेज़ करें और हल की तरफ़ आएँ हल्के मुत मलिकाबा ने बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में ये बात कही कि अब हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो नुकतः चीनी से परहेज़ करें एक दूसरे करें। के ऊपर इल्ज़ाम की छाड़ करने से परहेज करें और हल्की तरफ आए हल्के